What's up, Adrenaline Squad? Welcome back to another video. आज मैं बहुत upset हूँ. Lockdown फिर से लग गया. Oh shit, here we go again. और मेरा birthday भी गया for another year lockdown में. अभी मैं vlog भी नहीं कर सकता, travel भी नहीं कर सकता. Anyway, thank you for the wishes. That was really, really sweet of you, and that made my day. पर ये घर बैठे-बैठे boredom को लेके I decided to clean my cupboard, and guess what I found? नहीं dead bodies नहीं मिले. मतलब अरे लोगों नहीं मिला बोला ना मुझको ये मिला. What is this? This is a 2006 school magazine of Delhi Public School, my school. School magazine क्या होता है तुम्हें पता है? Like पूरे साल का जो भी हुआ है वो, you know, एक बार look back करते हैं. And that got back all the memories. और plus मेरा mood खराब है, memories. I think I'm gonna make a video ranting about DPS. Really, I didn't do this, but I'm gonna do it. Let's start. Our school is big, very very big. Total of 9 blocks है पूरी school में, at least from the school I am studying from. एक second. एक और block आ गया. Total of 10 blocks are there. I mean, let's not get surprised. 30% of the world population makes up Dipsite, and it's a haha ugly fact. Plus, they know how to avoid tax evasion. Bruh. Hello Nagraj, ये काट दे. Don't get me started on uniform. We had the most uncomfortable uniform ever. We had the strict rule that we had to put the collar button on, and that collar button कोई फांसी के पंदे से कम नहीं था. And now I know how Mangal Pandey feels. अगर तुम्हें by chance कोई टीचर ने without collar button पकड़ ली लिया ना, तुम्हें characterless घोषित कर दिया जाएगा. Like मेरे 7th grade में एक math teacher थी, उसने पकड़ लिया आपको. एक बार मैंने collar button खोल दिया था, February था, and जब midday होता है afternoon के time पे बहुत गर्मी थी, and I was like नहीं हो पाएगा, खोल दिया मैंने. Math teacher आती है, मुझको पकड़ती है और बोलती है, अब्दुल, who are you trying to impress with that collar button on? Why are you trying to be a hero? शक्ल देखी है, मतलब कौन होगा इम्प्रेस में से? पिंपल हर जगह, मतलब यूजली नहीं आते, पर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक दो आ जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं भी आऊंगा वीडियो में. और जिस दिन पीटी होता तो पूछो ही मत. मैं स्कूल जाता व्हाइट यूनिफॉर्म में और वापस आता ब्राउन यूनिफॉर्म में. ब्राउन मुंडे वाइज, और ये दाग अच्छे भी नहीं है क्योंकि सर्फ एक्सेल भी फीका पड़ जाएगा. सर्फ एक्सेल छोड़ो, आला ब्लीच भी फीका पड़ जाएगा. जाओ नया यूनिफॉर्म लेने, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया. ये साला स्कूल वाले गवर्नमेंट की तरह लूट रहे. कैंटीन के तो अलग ही नशे होते थे, उधर खाना कम लफड़ा ज्यादा होता था. लिटरली हर एक सेकेंड डे कैंटीन एक WWE का रिंग बन जाता. इट बी लाइक अ सीनियर जूनियर वाला लफड़ा. लाइक कोई 9th ग्रेडर जाके 8th ग्रेडर पे मुंह, कोई भी रीजन पे मुंह पे तमाचा मार के जाता था. और ये 8th ग्रेडर तो भाई DPS का तो एटीट्यूड है, ये उसके दोस्तों को लेके आके 9th वाले को पीटता. फिर 9th वाले के दोस्त है वो आके कैंटीन को शिवाजी नगर बना देते. लफड़ा जी जी. और ये मामला इतना गया ना कि हमारा जो लंच टाइम है वो चेंज हो गया. मतलब सीनियर लोग का अलग लंच टाइम था और जूनियर लोग का अलग लंच टाइम था. वी वर सेपरेटेड बिकॉज़ ऑफ दिस नॉनसेंस शिट. मूविंग ऑन. जैसे हर स्कूल में क्लास मॉनिटर हुआ करता था, वैसे ही DPS में क्लास प्रिफेक्ट हुआ करता था. और ये बंदा कोई चोर, MLA से तो कम नहीं, एक ही बात है. लिटरली पहले ऐसे कुछ स्वीट स्वीट कर, अरे वोट चाहिए वोट चाहिए. उसके बाद अबे भाग. तो मैं प्रोसीजर बताता हूँ प्रिफेक्ट कैसे बनते थे. लाइक इट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी वुड गिव अ स्पीच, और वो स्पीच के बाद वोटिंग हुआ करता था, एंड द पर्सन विद द मोस्ट वोट्स विंस एंड बिकम्स द क्लास प्रिफेक्ट. और वोटिंग का फंडा पता ही है, द मोस्ट पॉपुलर पर्सन बिकम्स द क्लास प्रिफेक्ट. ये लोग अपनी पावर को मिसयूज पहले करेंगे और बाद में बोलेंगे अरे प्रिफेक्ट ड्यूटी कर रहा था. लाइक एक बार मुझको याद है, लाइक अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर स्टूडेंट्स बिकेम प्रिफेक्ट, और हर एक पीरियड बोलते हैं कि अरे भाई मुझको प्रिफेक्ट ड्यूटी जाना है, प्रिफेक्ट ड्यूटी जाना है. और उसके बाद वो लोग बंक करते, वो आइदर कैंटीन में मिलेंगे या बड़े ग्राउंड में मिलेंगे गप्पे लड़ाते हुए, और बाद में अगर पूछेंगे तो बोलेंगे अरे प्रिफेक्ट ड्यूटी गए थे. एक बार मेरे कोई प्रिफेक्ट के साथ बीफ हो गया था, और ये साला मतलब पूरे साल
मुझको इंस्पेक्शन के टाइम पे पकड़ ले फॉर नो रीजन एट ऑल। एक बार तो मैंने बोल ही दिया, मतलब वो आके बोलता था चल हेडमिस्ट्रेस के पास चल, मतलब हेडमिस्ट्रेस के साथ तो मेरी सेटिंग थी क्योंकि हेडमिस्ट्रेस वाज वेरी स्वीट, यू नो वी ऑल लव द हेडमिस्ट्रेस अनीता मैम। एक बार तो मैंने बोल ही दिया कि मेरे नेल शॉर्ट है, मेरे बाल का प्रॉपर हेयर कट है, मेरे यूनिफॉर्म में कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, मुझको पकड़ा क्यों? और फिर बोलता है अब भाई तू लेट आया, स्कूल लेट आया था। अबे सारे क्लास में पहले मैं आया था। According to me, DPS assemblies were the most useless shit we have ever done in the morning. इसके बगैर अगर हम PT भी रख देते ना, it would be beneficial क्योंकि कुछ physical exercise होता। पर नहीं, असेंबली करना है, पहले धूप में खड़ा दो सो दैट वी टर्न लाइट ब्राउन, पकोड़ा और समथिंग, देन उसके बाद तो हाइट ऑर्डर में खड़ना पड़ता था। आई मीन व्हाई, जो कॉन्फिडेंट ऑल एथलेटिक लोग हैं, इनके बहुत करिज्मेटिक लोग हैं, वो सारे पीछे ऐसे आराम से खड़े हैं, और जो टिमिड शॉर्ट नो कॉन्फिडेंस अभी यू नो बहुत नर्वस लोग हैं उनको सामने खड़ा दिया जाता। स्कूल को मोरल डाउन करना तो बहुत आसानी से आता है, मतलब फिर कोई क्रिंस स्किट कोई वोक टॉपिक पे होता था और फिर चलो अभी नेक्स्ट म्यूजिक कुछ डांस गाना होगा। DPS has a good reputation of good singers and good dancers. I'm not gonna lie about that. But you know, उसे पहले तो बोलता था अरे नेशनल एंथम के लिए खड़ी, एंड दैट बी फाइन, ओके नेशनल एंथम खड़ लिए, अभी हम बैठने ही वाले थे, कोई गोचू माइक पे आके बोलता थॉट ऑफ द डे, मतलब जरूरत ही क्या थी वे, और वो सीधा एल्मनैक से छाप के आता था, मतलब एल्मनैक जो पेजेस होती थी एल्मनैक के पेज के नीचे कोई कोट रहता था, एवरी पेज ऑफ द एल्मनैक हैड वन कोट एंड उससे कोई एक कोट लेके छाप देता था। और स्पीकिंग ऑफ एल्मनैक, व्हाट इज एल्मनैक? एल्मनैक इज अ स्कूल डायरी, कोई भी वेबसाइट से पूछो कोई भाव नहीं देता है, कोई वेबसाइट भाव ही नहीं देता, एल्मनैक की कोई औकात नहीं, मतलब लिटरली मेरी एल्मनैक अगर खोल के देखे गए तो नोट्स होता था, अगर मैंने कोई बुक लाना भूल गया तो मतलब उसका नोट्स लिख देता या डूडलिंग करता या कंप्लेंट्स होते हैं, नहीं मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं मतलब जनरल बोल रहा हूँ, मतलब मुझको कोई कंप्लेंट्स नहीं आते, मैं अच्छा बच्चा हूँ। Dipped sites are divided into three categories. One, popular kid, जो popular है, and rich kid, you know, athletic kid. फिर आते थे वो students जो बोलते हैं कि अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा और exam में 98% लेके आते थे, टॉपर साले, scholar लोग, DPS की शान, मतलब DPS तो be like अरे my gorgeous. और फिर हम आते हैं general public जिसका कोई औकात नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई पूछेगा नहीं क्योंकि अरे नहीं तुम special नहीं हो, अरे नहीं नहीं तुम marks नहीं लाते हो, आई नो यू ट्राइंग वेरी हार्ड पर हाँ मतलब तुम्हारी कोई औकात नहीं, एंड आई वॉज पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और जब एनुअल डे होता DPS का नेपोटिज्म चेहरा बाहर आ जाता, मतलब लिटरली जो मेन कैरेक्टर रहते हैं वो यू नो अच्छे जो टीचर के बेटे होते हैं या मैनेजमेंट की बेटी होती है वो ले जाते हैं, जो साइड कैरेक्टर होते कोई प्ले में एनुअल डे प्ले में वो ड्रामा स्टूडेंट्स ले जाते या कोई पॉपुलर बंदा, और जो साइड रोल जो एक्स्ट्रा रोल जिसकी कोई औकात नहीं है रोल को हमें दिए जाते, मतलब को जो भी मिले अभी रोल, मतलब विलेजर मिला है, दरबारी ऐसे जीसस क्राइस्ट की तरह खड़ के पेड़ बनना था, ऐसे टी पोज बना के, आई फेल्ट सुपीरियर बट नोबडी गेव मी सुपीरियरिटी, बट या एनीवे, बट लुकिंग बैक थैंक्स टू दिस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट मेड मी स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल एंड या लुक वेयर वी आर यू नाउ टॉकिंग अबाउट DPS ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई टोल्ड एनफ, आई थिंक देयर लाइक स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट DPS, एंड इफ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, एंड इफ यू रियली डोंट वांट अ पार्ट 2 प्लीज I really want to make a part 2 because there's so much to talk about DPS. Hope you enjoyed the video. And like if you relate, comment and share if you're a dip site, and share it among other dip sites so that we all feel the same. Subscribe. It's not that hard. Just click the red button, press the bell notifications and swag dance. And just dab it. I'll see you in another video. Tab tak ke liye, take good care of yourself. Stay safe. Stay at home. Keep smiling. Chalo, bye.